सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमन्रितात् सत्यमुपैमि शांति शांति ही। वाल्मीकि रामायण की अयोध्या कांड का 53वां सर्ग पढ़ रहे हैं और दूत अभी पहुंचे हैं उस नगरी में, अभी इनसे मिले नहीं है भरत जी आदि से। और उसी रात जिस रात में पिता के प्राण छूटे, तो ये बात तो फिर सुबह चर्चा की ना सभी मंत्रियों ने वशिष्ठ जी के सामने, फिर वशिष्ठ जी ने शीघ्र दूतों को भेजा, फिर वो शाम तक पहुंचे और उसी रात में भरत जी को दुस्वप्न आता है, अप्रिय स्वप्न आता है जिस दिन पिता के प्राण छूटे। तो वो सुबह से ही बहुत उदास चित्त वाले हैं और उनके साथ ही उनको तरह तरह से प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ध्यान उदासी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उनके अंदर वो बैठा हुआ है कि कुछ तो अशुभ होने वाला है, जो मुझे स्वप्न आया है वो कुछ ना कुछ तो संकेत जरूर दे रहा है। तो ऐसे वो किसी भी हास्य आदि से, विनोद आदि से उनको प्रसन्नता मिली नहीं। तो फिर उनके मित्र उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं और आप खुश नहीं हो रहे हैं, आपकी उदासी नहीं हट रही है। तो तब वो अपने स्वप्न के बारे में बताते हैं, मैंने ऐसे ऐसे देखा, पिताजी अंजलि से तेल को पी रहे हैं, शिखर से गिर गए हैं, बाल खोले हैं, नीचे गोमय के हृदय में, गड्ढे में, तालाब में वो गिर गए हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं और चंद्रमा धरती पे गिर गया है, सारा जगत तमस से भर गया है। तो ये सारे के सारे ही लक्षण ऐसे हैं जो प्रसन्नता देने वाले नहीं हैं। तो जो हमारी प्रसन्नता का ह्रास करे वो सब अशुभ है, जो हमारी खुशी का नाश करे वो सब अशुभ ही माना जाएगा। तो ये सब ये बता रहे हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा। तो पीछे से कुछ पूछना है आपको? ओम आदरणीय दीदी जी प्रणाम। दीदी इसमें पूर्वाभास स्वप्नों के बारे में बताया है कि कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जो आगे होने वाली अप्रिय घटनाओं को इंगित करते हैं। ऐसा ही आयुर्वेद में भी बताया है कि हमारे जो त्रिदोष होते हैं उनमें से कोई भी दोष जब प्रकोपित होता है तो कुछ स्वप्न आते हैं जो लगभग ऐसे ही होते हैं। तो कैसे हम इन स्वप्नों ऐसे ही नहीं होते हैं, लगभग ऐसे बताए नहीं हैं? जैसे वात प्रकोपित होगा तो व्यक्ति उड़ने लगेगा जी, ऐसे पित्त प्रकोपित होगा तो अग्नि अग्नि दिखेगी जी, ऐसे होते जी। ऐसे तो नहीं होते, मतलब ऐसे अशुभ जैसा लगता है उन स्वप्नों में भी। तो कैसे माने कि अशुभ को इंगित करने वाले हैं या? तो ये वात पित्त का बढ़ना अशुभ नहीं है क्या? वो भी तो अशुभ है जी। तो अशुभ तो अशुभ ही है, आप कह रहे हो कि कैसे उसमें अलग करें, ये अशुभ है कि
त्रिदोष के कुपित होने से हुआ है। त्रिदोष का कुपित होना भी तो अपने आप में अशुभ है ना। और एक प्रश्न ये था दीदी जी कि मनोमय कोष, जैसे आपने ये बताया कि हमारे जब हम ज्ञान की अवस्था में, एकाग्रता की अवस्था में होते हैं, तो हम दूसरों की चीज़ों को भी कैच करते हैं। कोई घटना हमारे संबंधी या बहुत जो व्यक्ति हमसे जुड़ा होता है उसके साथ होने वाली होती है तो हमें पता चलता है, हमें ऐसे सिग्नल मिलते हैं। तो मनोमय योग जिसका, मनोमय कोष जिसका जागृत हो जाता है, वो व्यक्ति कैसे होते हैं, ये कैसे पता चलता है कि मनोमय कोष जागृत तो सभी का ही है। मनोमय कोष सुप्त थोड़े ही है, आप वहाँ तक उस स्थिति में प्रतिष्ठित होते हैं कि नहीं, आप बार बार ही जी रहे हैं। जागृत तो सारे ही हैं, वो तो एक मतलब उसके लिए व्यवहार के लिए बोल दिया जाता है कुंडलिनी जागरण जैसे, तो वो तो हमेशा ही है ना शक्ति। तो उसकी अनुभूति जब हमें हो जाती है तो उसको फिर हम जागरण कह देंगे। तो मनोमय कोष तो जागृत ही है, तभी तो हम मन से सारे काम करते हैं। पर उस मन की क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका एहसास फिर योगियों को होता है। तो फिर वो अपने संकल्प मात्र से बड़े बड़े काम कर लेते हैं या बहुत लोगों से करवा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये शक्ति कितनी महान है, मनोमय शक्ति। और ये जो हमारा मन है ये एक समष्टि मन से जुड़ा हुआ है, तो एक तरह से वो जो योगी है वो पूरे समष्टि मन को ही आदेश देता है कि अब ऐसा होना चाहिए, और वैसा होता है। और ऐसा कोई भी करवा सकता है, लेकिन उसको चेतना के उस शिखर पे तो बैठना ही पड़ेगा। उसके लिए कुछ विशेष तपस्याएं होती हैं? नहीं, यही है, अष्टांग योग है और अपने यम नियमों का पालन। जैसे यम नियमों में ईश्वर परिधान आपने पढ़ा, तो वो अपने आप में इतना कठिन है कि हर काम को कैसे करें, तो ये करना कठिन है। ये हमने अभी सुना है तो बस हम सुन लेते हैं और पास आउट हो जाते हैं, पर जब हम एक यम को भी जीने लगते हैं तो हमें पता लगता है कि काफी कठिन है ये। काफी कठिन तब लगता है कि जब हमारा संकल्प और पीछे के संस्कार थोड़े से प्रबल कम है तब। और यदि एक बार किसी ने दृढ़ संकल्प ले लिया और पीछे के भी प्रबल संस्कार हैं, तब इससे सरल कुछ नहीं है, बहुत इजी भी है। फिर किसी भी व्यक्ति के लिए कोई काम कठिन कब है? जब उसमें बल नहीं है। और सरल कब है? जब उसमें बल है। 5 किलो वजन उठाना कठिन है कि सरल है? छोटे बच्चे के लिए 5 किलो वजन उठाना बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें बल नहीं है ना बेचारे में। और चंद्रमोहन जी के लिए 5 किलो वजन उठाना एक हाथ से उठा दे, जो भी बलवान है, क्योंकि उसमें बल है तो क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है। कहते इसमें क्या है, लाओ अभी उठा के इधर डाल देते हैं। तो जो फिजिकल बल वाली बात है, बिल्कुल वही बात मानसिक बल और भावनात्मक बल, इमोशनल पावर के ऊपर भी लागू होती है। एक व्यक्ति छोटी सी चीज को करने में उसको बहुत बल लगाना पड़ता है कि कैसे नियमों में समय से जाएं, और दूसरा कहता है इसमें क्या है, घंटी लगी और पहुंच जाओ। एक कहता है सुबह उठें कैसे, उठना तो चाहते हैं, दूसरा कहता है इसमें क्या है, रात को संकल्प लेके सो, सुबह उसी समय आँख खुलती है। एक व्यक्ति कहता है हम जब इसी गुरुकुल में रहते हुए ऐसे कर लेते हैं तो इनसे क्यों नहीं होता है, ये चाहते ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, वो चाहते तो हैं लेकिन उसमें बल थोड़ा कम है, और जिसमें बल है उसको वो बात अनुभव में नहीं आती है, तो उसको हमेशा, तो इसीलिए तो थोड़ा वो रहता है ना खींचातानी। जिसमें बल है उसको लगता है कि भाई इसमें क्या है, इतनी छोटी सी बात है ये। और जिसके अंदर बेचारे में बल नहीं है उसको लगता है भाई बहुत कोशिश कर रहा हूं मैं, चाह रहा हूं इसको करना, तो कर नहीं पा रहा हूं, तो धीरे धीरे वो भी कर पाएगा। तो जिसके अंदर बल है उससे ये अपेक्षा की जाएगी कि वो उसको प्रेरित करेगी, नहीं आप कर पाओगे। अगर वो मना करे तो भी उसको ये कहना चाहिए कि आप कर पाओगे, कोशिश तो करो। धन्यवाद दीदी।
कौन पूज्य दीदी आपका चरण है पूर्ण। आपने पिछले दिन बोला है जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने सबने ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, और कोई भी महापुरुष व कोई भी इंसान हो परम शांति व परम आनंद परम माने कुछ भी अच्छी चीज बाहर से नहीं मिलते, सब अंदर से मिलते, अंदर उतरना पड़ता है। अंदर उतरने के लिए ध्यान ही की सबसे अच्छी मार्ग है और सबको करना भी चाहिए। और समय के लिए आपने बोला ब्रह्म मुहूर्त श्रेष्ठ मुहूर्त होता है, इसके बारे में विस्तार बोलिए। आपने तो बोल दिया पूरा विस्तार, तो मैंने यही बताया था कि जो अच्छी चीज है वो बाहर से नहीं ले सकते हैं। जैसे हम अच्छी चीज क्यों नहीं कर पाते हैं तो क्योंकि हमारा मन उसके लिए तैयार नहीं होता है ना, मन नहीं होता है, भावनाएं तैयार नहीं होती हैं, तो ये हमारे मन का दोष है, माने मन में फॉल्ट आ गया, ये मन गड़बड़ हो गया। जैसे मेरा मोबाइल गड़बड़ हो गया, अपना काम ठीक नहीं कर रहा है, तो मैं मोबाइल को कहाँ ठीक करवाऊंगी, दुकान में, दुकान में। और दुकान में भी जिस कंपनी वाले ने उसको बनाया है उसका जो मिस्त्री है वो उसको ठीक कर पाएगा, हर एक नहीं कर सकता है। जैसे महिंद्रा की गाड़ी खराब होगी तो महिंद्रा के ही उसमें वर्कशॉप में जाके ठीक होगी, टाटा की है तो टाटा वाले, जो जिस कंपनी की गाड़ी है उसी कंपनी के वर्कशॉप में जाके ठीक होती है। तो बाहर की चीजें यदि टूटती फूटती हैं तो हम उसको उसके बनाने वाले के पास ही जाके उसको ठीक करवा सकते हैं। कोई सोने की चीज यदि टूट गई तो महिंद्रा के वर्कशॉप में नहीं ले जाएंगे, फिर ज्वेलर के पास ले जाएंगे, क्योंकि उसी ने बनाया था ना उसको। तो ऐसे ही जैसे मकान टूट गया तो अब इसको ठीक करने के लिए ज्वेलर नहीं आएगा, जिसने ये मकान बनाया था वो व्यक्ति आएगा, मिस्त्री आएगा। तो जो जिस चीज को बनाता है वही ठीक भी करता है। तो हमारा मन कहीं बाहर से मार्केट से तो बन के आया नहीं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से तो बन के आया नहीं हमारा मन। हमारा मन किसने बनाया? भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया और प्रकृति से बनाया। प्रकृति उपादान कारण है, परमात्मा निमित्त कारण है। तो इसमें कोई फॉल्ट आया है तो वो भी कहाँ ठीक होगा? परमात्मा के पास जाना पड़ेगा और प्रकृति की सहायता से होगा, क्योंकि बना वही है ना। तो प्रकृति के तो अनुकूल जीना होता है और परमात्मा की शरणागति में उसके सामने रखना होता है कि खराब हो गया, बताना तो पड़ेगा ना। जैसे आप ज्वेलर को या किसी भी मोबाइल बनाने वाले को जाके बताते हो कि जी इसमें आवाज ठीक से नहीं आती है, या इसमें इसकी फोन करते हैं तो नंबर दिखते नहीं है, जो भी खराबी है उसको उसी रूप में तो बताते हो आप। तो हम संध्या उपासना में यही बताते हैं परमात्मा से कि मेरे मन में क्या फॉल्ट आ गया, ये आलस से बहुत करता है, ये प्रमाद करता है, ये गुस्सा करता है, ये अपेक्षाएं बहुत रखता है। इस मन में से ये चीजें यदि हट जाएं तो फिर मैं परम सुखी हो जाऊंगा। ये मन जो है बाधाएं आने पर विचलित बहुत हो जाता है, ये मन कर्तव्य पालन में बहुत इधर उधर भागने लगता है, साथ नहीं देता, ऐसे तो बताएंगे ना। तो फिर भगवान उपाय बताएंगे कि ऐसे कर लो, क्योंकि भगवान कोई घड़ी बनाने वाले मनुष्य जैसा मनुष्य तो है नहीं कि चलो लाओ ठीक मैं इसको ठीक कर देता हूँ। भगवान ठीक कैसे करेंगे? हमारे ही माध्यम से करेंगे, क्योंकि हमारे ही माध्यम से वो गड़बड़ हुआ है। भगवान ने जो बना के दिया था सृष्टि के आदि में वो बिल्कुल विशुद्ध था, फ्रेश था, अब उसमें गलत संस्कार डाल के हमने ही खराब किया है। तो भगवान कहेंगे इन इन आदतों को हटाओ आप, और इनको हटाने की शक्ति मैं देता हूँ आपको, तुम प्रकृति के साथ अनुकूल आचरण करो, अनुकूल बर्ताव करो, ये ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो जाता है। तो ऐसे कोई उदाहरण है क्या? बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ लोगों ने तो बता दिया अपने बारे में, स्वामी श्रद्धानंद जी ने, महात्मा गांधी ने, ऐसे कुछ योगियों ने बता दिया कि हमारे इसमें स्वभाव में ये दोष आ गए थे और हमने हटा दिए। फिर एक व्यक्ति हटा सकता है तो उनसे प्रेरणा लेके दूसरा भी हटा सकता है।
जैसे यहाँ योग में प्रतिक्रियाएं देते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं हमारे को ये रोग आया था और हमने प्राणायाम से हटा दिया, तो उनको सुन के कुछ लोग दूसरे भी हिम्मत कर लेते हैं, कुछ नहीं बताते हैं पर ठीक तो उन्होंने भी किया है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि देखो ये मन और भावनाएं, ये खुशी प्रसन्नता, ये कहीं बाहर नहीं मिलती है मार्केट में, अपने ही अंदर हैं ये, और वहां से ही इनको प्राप्त करना पड़ेगा। तो इनको प्राप्त करने का फिर दूसरा तरीका ये बताया था कि भई ये दुखी होता क्यों है, मन होता तभी जब कोई हमारे अनुकूल आचरण नहीं करता है, कोई हमारा अपमान कर देता है, कोई हमारे को ब्लेम कर देता है, कोई कुछ आरोप लगा देता है, कोई हमें कड़वा बोल देता है, कोई हमें डांट देता है, तो फिर ये विचलित तो होता है ना, उस समय हमें ठेस लगती है इन्होंने हमारे साथ ऐसे क्यों किया। तो अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है, इसको ठीक करने का तरीका ये कि इस आत्मा के साथ कभी ना कभी कोई ना कोई संबंध रहा होगा, ये बात हमें पक्का बिठा लेना चाहिए कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं, लेन देन करने के लिए आए हैं। ये जितनी भी आत्माएं यहाँ बैठी हैं ना, इनके साथ जरूर कोई ना कोई लेन देन रहा है किसी ना किसी जन्म में, किसी से कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है। तो जिस व्यक्ति का हमने इस जन्म में कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भी वो हमेशा हमें डांटता ही रहता है, फिर भी वो हमारे से अप्रीति ही करता रहता है, तो फिर हम विचलित तो होते हैं कि हमने कुछ भी तो दोष नहीं किया, तो ये हमेशा ही हमें क्यों डांटते हैं। तो समझ लो कि कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब बाकी है और वो व्यक्ति अपना पूरा कर रहा है। तो अब क्या करना है आपको, अब यदि आप विचलित होते हैं तो आगे भी ये खाता चलता ही रहेगा, फिर आओगे दोनों जने। तो अब बोलो कि देखो मैं एक बहुत साधक आत्मा हूँ, ईमानदार आत्मा हूँ, जिम्मेदार आत्मा हूँ, और आप भी ऐसी हैं, आत्मा तो एक ही जैसी है ना, तो आपका पीछे का जो भी बचा है तो ठीक है, हम उसको चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे के लिए हम आपसे कोई भी हिसाब किताब रखेंगे नहीं, अपना बस यही ख़त्म हो रहा है, ऐसा अपने मन मन में सोचें। और भगवान आपको भी सद्बुद्धि दे, आप भी सुखी हों, हमारे से कोई त्रुटि हो गई इस जन्म में या कभी पिछले जन्म में तो उसके लिए आप हमारे को इस तरह से बिहेव करते हैं, तो कोई बात नहीं, हम उसको चुकाने के लिए तैयार हैं, और आगे के लिए भगवान हमें भी शक्ति दे, आपको भी सद्बुद्धि दे, आप भी अच्छे हैं, ऐसे अपने मन में सोचें, तो पीछे वाला कट जाएगा और आगे का नया संस्कार बनेगा नहीं, तब आपका मन प्रसन्न हो जाएगा अपने आप से ही। और यदि इस चेन को बढ़ाते रहे, बहुत जल्दी बढ़ती है ये चेन नेगेटिव वाली, तो फिर आगे के लिए एक और तैयार हो जाएगी, पीछे की तो थी कि हमारे साथ ही ऐसे करते हैं, हम कुछ बोल तो नहीं सकते हैं, परमात्मा इनका भी कभी ना कभी तो कर ही देगा हिसाब पूरा, तो इस तरह की जो बातें हैं वो फिर एक और चित्त को गंदा करती हैं और आगे के लिए भी वो कर्माशय तैयार हो जाता है हमारा। तो मैंने ये बोला था कि इसको ठीक करने के लिए आगे का बनने नहीं देना है और ये अपने आप ही करना है व्यक्ति को, दूसरा कोई नहीं कर देगा। हमारा मन हम किसी को निकाल के दे दें कि जाओ भाई इसको मार्केट में ठीक करवा लाओ, तो ऐसी कोई शॉप ही नहीं है, कहाँ ठीक करा के लाएंगे। हमारा मन जब भी ठीक करना होगा हमें ही करना होगा, तो भलाई किसमें है, ज्यादा बिगड़ने से पहले ही ठीक कर लें, तो वो महापुरुष होते हैं फिर। और एक प्रश्न है, ध्यान में तो मन स्थिर हो जाता, शांत हो जाता? नहीं, कहाँ होता है, ध्यान तो बहुत ऊंची चीज है, आंख बंद करके बैठ गए हम तो जरूरी नहीं है कि ध्यान लग ही गया, लग जाने से, लग जाए तो फिर इसका मतलब है कि पीछे का भी आपने यम नियम आसन प्राणायाम सब साध लिए हैं, क्योंकि पीछे वाले की अपेक्षा है ध्यान को, पीछे वाले को स्किप करके ध्यान नहीं कर सकते आप, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा इनको आप हटा दें और सीधा डायरेक्ट ध्यान करें तो नहीं हो पाएगा, वो जरूरी है। किसी पेड़ पे फूल खिलने के लिए उसमें जड़ होना और उस जड़ को पानी मिलना, खाद मिलना, ये बहुत जरूरी है, सीधा फूल नहीं खिल सकता है कभी भी डायरेक्ट। तो यदि आप क्या पूछ रहे हैं, यदि ध्यान लग जाए तो आगे तो मन शांत हो जाते? हाँ बिल्कुल,
शांत हो जाते हैं और बाद में भी कुछ भी बाहर की इफेक्ट काम नहीं करते, माने उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। ध्यान के बाद भी तो बहुत अच्छी बात है, तब तो ध्यान ही करो। तो वो तो टाइम नहीं मिलता। ये समस्या तो सबकी है, किसी को टाइम नहीं मिलता, किसी को ध्यान के समय भी दूसरे डिस्टर्ब करते हैं। जब मैं कल ये सोच रही थी भाई, जो ये ध्यान में डिस्टर्ब करने वाले हैं तो उनको बाहर भेजना चाहिए, जो ध्यान करने वाले हैं वो बाहर क्यों जाते हैं? जो डिस्टर्ब करते हैं इसलिए हम बाहर जाते हैं, अपने कमरे में करते हैं मतलब। तो बाहर उनको होना चाहिए जो ध्यान नहीं करते हैं, जो करते हैं उनको बाहर नहीं होना चाहिए। जी, और कोई प्रश्न है आप लोगों का? स्वप्न का मन का आ गया समझ में आपको? मेरे को तो लगता था इसमें आपके खूब सारे प्रश्न होंगे स्वप्न वाली दुनिया का। ओ माता जी, माता जी कल स्वप्न के बारे में बताया कि अब हर एक स्वप्न आए उसका कोई अर्थ होगा, ये निश्चित है या अनिश्चित है? निश्चित है हर स्वप्न का। हाँ, कल जैसे भरत चित्त की स्थिति का पता चलता है। हाँ बताओ। भरत जी के संबंध में बढ़ा कि उन्होंने पिता के बारे में ऐसी घटनाएं ध्यान में आई, कल हमारे भी आई फिर इस चीज को लेकर के, अब वो कितनी सत्य होगी, कितनी असत्य? नहीं सत्य नहीं, मतलब ये तो सत्य हुआ ना कि वो संस्कार आपके सब कॉन्शियस माइंड में चले गए और वो अब निकल रहे हैं, तो ये तो पता लगा ना अपने चित्त का कि हमने जो रामायण में पढ़ा था वो सारा हमारे चित्त में चला गया, हमारे सब कॉन्शियस माइंड का एक पार्ट बन गया और अब रात को वो निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको पढ़ते समय चित्त आपका ग्रहणशील था। तो हर स्वप्न का अर्थ होता है और स्वप्न को याद रखना चाहिए। मैं ये कह रही थी रात को सोते समय ऐसे सोचना चाहिए, वो जो है ना, या निशा सर्व भूतानाम तस्याम जागृति संयमी, तो उसमें जागृति का मतलब ये ही है। ऐसा तो नहीं है कि वो सोता नहीं है, पर वो सोते हुए भी जागरूक होता है। सोते हुए भी क्या क्या घटित हो रहा है चित्त में उसका उसको पता होता है और सबको पता नहीं होता है। हम तो भूल जाते हैं, हमें सपने आए भी थे ये भी याद नहीं रहता है, और कभी ये याद रहता है कि कुछ आया तो था पर क्या आया था वो नहीं पता। अच्छा, इसकी एक और बात है, जो हमें स्वप्न आया था वो जगने के बाद मैक्सिमम एक मिनट तक याद रहेगा, बस आधा या एक मिनट तक, उसके बाद हट जाएगा वो। ऐसी ही व्यवस्था है प्रकृति की। तो यदि बिल्कुल उठते ही आपने आधे मिनट में ध्यान कर लिया कि रात को क्या क्या घटित हुआ था, तब तो आपको स्मरण आ जाएगा और तब आप उससे अपनी साधना को या जो भी उपाय करने हैं उस घटना के प्रति उसको आप ठीक कर सकते हैं। और यदि आधा मिनट आपके दिमाग में कोई और विचार आ गया तो फिर वो चला जाएगा, फिर याद नहीं आएगा आपको, तो तब आप उस पर काम नहीं कर सकते हैं। तो योगी जो है वो दिन की क्रियाओं को देख करके उन पे भी काम करता है कि क्या चित्त की स्थिति है मेरी ये सब करते समय, और रात की जो निद्रा काल है, क्योंकि वो भी 6-7 घंटे का टाइम है, कम से कम 5-6 घंटे का टाइम तो सभी के लिए है, तो हमारे 24 घंटे में से 5-6 घंटे एक वो रखते हैं, अहमियत रखते हैं, तो 6 घंटे को ऐसे ही छोड़ दे अपने आप को तो ये उचित नहीं है, तो इसलिए वो 6 घंटे का भी हिसाब रखते हैं। भाई जैसे हमने 18 घंटे का रखा, ऐसे 6 घंटे का भी वो रखते हैं। तो उसी को कहा तस्याम जागृति संयमी, उस निद्रा में भी वो सोया हुआ भी न सोए जैसे, माने जागरूक है वो, क्या क्या घटित हो रहा है स्वप्न में। एक और भी किसी ब्रह्मचारी ने नए ने पूछा था ना एक दिन, जिस सोते समय यदि हमारे से कोई दोष होता है तो क्या मतलब हमें दोष लगेगा क्या, हम उसके जिम्मेदार हैं क्या? हाँ है ना, क्योंकि वो हमारे चित्त की स्थिति को बता रहा है, तो अब हमें ठीक करनी पड़ेगी वो अपने चित्त की स्थिति। ठीक है, पीछे दे दो। प्रणाम दीदी जी। स्वप्न का निर्धारण क्या ऐसे होता है कि जैसे कि आज हमारी स्थिति तमस अवस्था में है, तो जो हमने इससे पिछले काल में अपने जीवन में तामसिक कर्म किए होंगे
तो वो आज हावी होकर सपने में आएंगे। वो भी हो सकता है, क्योंकि पीछे जब भी आपने किए थे वो आपके अवचेतन मन में तो सारे संस्कार हैं ही। और ये भी हो सकता है कि कल ही आपने कुछ ऐसा तामसिक आहार लिया होगा, या तो तामसिक दिनचर्या रही होगी आपकी, तो वो पीछे वाला भी इसके साथ जुड़ करके फिर वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा होगा। और इसी प्रकार सत्व अवस्था में रहेंगे तो सात्विक, तीनों के लिए वही है। तो ये क्या सपने खत्म नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, यदि हम सदा सत्व या रजस में रहे तो। हाँ, खत्म हो सकते हैं। रजस में मतलब आप तीनों में से एक में तो रहेंगे जब तक शरीर है, त्रिगुण में से वैसे तीनों ही रहते हैं, पर एक की प्रधानता तो रहेगी ना कम से कम। तो आप प्रयास पूर्वक सत्व में रह सकते हैं, और रजोगुण भी बुरा नहीं होता है। आप जितनी भी साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, यम नियमों का पालन करते हैं, ये सारी अच्छी क्रियाएं भी किसके कारण होती हैं? रजोगुण से ही होती हैं। तो उसमें हमें ये देखना है कि उनका प्रयोग कैसे करना है, तीनों का, हमें सत्व रज तम का। वो अपने आप में अच्छे बुरे नहीं है, उनका प्रयोग अपने आप में अच्छा बुरा है। दिया, बाती, माचिस, तेल अपने आप में बुरे थोड़े ही हैं। सदुपयोग करें तो वो सारी रात भर प्रकाश भी दे सकते हैं, और दुरुपयोग करें तो हमें जला भी सकते हैं। तो वो देखो ना कितनी समझदारी से दिए में तीनों मिल करके काम करते हैं, दूसरे को प्रकाश देते हैं। ऐसे ही त्रिगुण हैं। तो भगवान की बनाई सृष्टि में कुछ भी बुरा नहीं है, ना कोई जड़ चीज बुरी है, ना ही चेतन कोई वस्तु या व्यक्ति या प्राणी कोई बुरा है। उसका सदुपयोग या दुरुपयोग वो अपने आप में महत्व रखता है। कोई किसी को पत्थर मार रहा है और वो व्यक्ति उसको उठा के अपनी सीढ़ी बना ले तो पत्थर भी उसके लिए उपयोगी है, और उससे वो घायल होकर के बैठ जाएगी, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तब वो पत्थर उसके लिए बहुत बुरा है। तो घटनाएं जो भी घटित तो होती हैं, जैसे दिन भर होती ही हैं, हम सब के जीवन में होती हैं, कभी ना कभी किसी को दुख लगता ही है, परेशान होता ही है व्यक्ति, तो उस समय बस ये सोचने की बात है कि भाई आज दिन भर में कितनी परेशानियां आई वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी बार हमने उन परेशानियों को ओवरटेक किया ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये साधना को नापने का तरीका है, साधना है ये। समस्याएं आई सबके जीवन में आती हैं, पशु पक्षियों के जीवन में भी आती हैं। आज दिन भर में यदि 10 मौके ऐसे आए जो आपको पसंद नहीं थे, और उन 10 में से यदि आपने 5 को ओवरटेक कर लिया, 5 बार आप विचलित नहीं हुए, तो समझ लो कि आप साधना में 50% गति कर चुके हैं। 5 में फेल हो गए, 5 में पास हो गए, 5 को आपने दबा दिया, और जो आप करना चाहते थे वही आपने किया, वो समस्या आपको नहीं दबा पाई, आपने समस्या को दबा दिया। दोनों में से एक तो दबाएगा ना, या तो वो आपको दबा देगी या तो आप उसको दबा दो। तो यदि हमने उनमें से 5 को दबा दिया तो 50% साधना हमारी हो रही है, और उससे बल मिलता है हमें। तो हम जैसे कई बार रात को सोते समय ये चिंतन करते हैं कि आज क्या क्या समस्याएं आई, किस किसने तंग किया, ये चिंतन ना करके चिंतन ये करें कि कितने समस्याओं को आज मैंने अभिभव कर दिया, उनका, उनको हरा दिया मैंने, तो फिर समस्याएं आना ही बंद हो जाएंगी। पूज्य मुरारी बापू जी ने बोला था ना कि वो शब्द मेरे को ठीक से याद नहीं है, भाव यही था उनका कि बहुत दूर तक गमों ने हमारा पीछा किया, पर जब हम गम से युक्त नहीं हुए तो वो हार करके वापस चले गए। दोषों ने, बुराइयों ने, समस्याओं ने हमारा पीछा किया, लेकिन उन्होंने देखा कि हम उनसे अभिभूत नहीं हुए तो वो हार के खुद चले गए, फिर वो नहीं आए। तो समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, साधना ये है कि हमने कितनी बार उनको ओवरटेक कर लिया। कभी ना कभी आपके मन में आता है आज क्लास में नहीं जाएंगे, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है,
बोल देंगे, और फिर आपने कहा कि नहीं जाना है जरूर, तो समझ लो कि आपने उसको ओवरटेक कर लिया। कभी कभी आपके मन में आता है कि आज यज्ञ में नहीं जाएंगे, हम बता देंगे कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर यदि आप नहीं गए तो समस्या ने आपको अभिभूत कर दिया, और यदि आपने कहा कि नहीं तबीयत ठीक नहीं है तो भी जाके बैठेंगे जरूर, तो समझ लो कि आपने समस्या को अभिभूत कर दिया। तो ये आपकी शाबाशी है, आपका गौरव है, आपने कितनी बार समस्याओं को ओवरटेक किया। महापुरुष ऐसे ही करते हैं।